वेलकम बैक तीनों हजरात आज हम नजर डालते हैं मुल्क की सियासत में मुख्तलिफ पार्टियों की टिकटों की तकसीम में, में राजा साहब हो गया जिधर जाता हूँ दुनिया खड़ी हो जाती है मुबारक हो आपको खैर मुबारक खैर मुबारक तशरीफ रखे गौरी साहब तशरी अब आपके बड़े फैन है बस वो रास्ते में असल में मोटरवे पे धोंद थी ना जी तो वो फैसलाबाद से आते हुए जरा लेट हो गया नहीं जी लेट नहीं हुए सही टाइम पे आप आए अच्छा जी जी चलो बड़ी मेहरबानी आपकी एंट्री हमेशा टाइम पर होती है राजा साहब बहुत शुक्रिया फरीद साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे याद करते हैं या और दूसरा मैं सबसे पहले अपनी नून लीग की के आदत का भी शुक्रिया अदा करूँगा उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पॉपुलैरिटी और वफादारी को मद्देनजर रखते हुए मेरी टिकट फाइनल की है साहब आपकी भी रंग लेकर आई है हाँ जी हाँ जी बड़ा बड़ा मसला हल हो गया है क्योंकि फैसलाबाद वाले वाले सारे यक जुबान थे कहे राजा साहब टिकट आपकी और बनती है और उन्होंने कहा था कि राजा साहब अगर आपको टिकट ना ना मिली तो हमने रोस जाने है तो शुक्र है अल्लाह का रोशन रोशन तक गाल नहीं पहुंची पहले ही हमारी क्यादत ने फाइनल कर दिया वैसे भी नून लीग की क्यादत को यह एहसास हो गया था कि फैसलाबाद में जितने पॉपुलैरिटी राजा रियाज किया उतने किसी भी और उम्मीदवार की नहीं बेशक उम्मीदवार तो और भी बड़े हैं मगर फरीद साहब फैसलाबाद में दो ही चीजें मशहूर हैं एक फैसलाबाद का घंटा घर और एक राजा रियाजा घर से वाकई बड़ा मशहूर है राजा साहब ओ गोगा जी घंटा घर का तो फिर भी एक अद्धा बंदा गलत रास्ता भी बता देता है अगर राजा रियाज को मिलने जाए तो आप गलत रास्ते भी पड़ जाए तो राजा तक पहुँच जाते हैं और फिर आप देखें जरासी हड़तालो घंटा घर बंद हो जाता है राजा रियाज अल्लाह के फसल से जहाँ मर्जी हो जो मर्जी कर रहा हो बंद नहीं होता आगा। 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 आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार राज को मिलने गए थे वो बंद था <laughs> अल्लाह के फजल से ये मेरी सियासी हमत अमली है भाँ भाँ। अब राजा रे बांधो लगा था तो उसने फौरन पार्टी बदल ली थी ये तो आपकी दूर अंदेशी है ना राजा साहब यही तो सियासत है फरीद साहब सियासत और किस चीज का नाम है आपको आने वाले वक़्त का अंदाजा हो जाना चाहिए यही कह रहे हैं राजा साहब वैसे आपकी तमाम पेश दुरुस्त साबित हुई है अब तक बस अब मियाँ नवाज शरीफ का वजी आजम बनना रह गया है आँ। आँ। आप देखिएगा फरीद साहब मेरी ये पशीन गोई भी इन ठीक साबित हो गई अब <laughs> बाकी वो सारे काम देखे ना मैंने कहा था फरवरी के मेड में इलेक्शन होंगे मैंने कहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे आए या के नहीं आँ। आँ। मैंने कहा था की जब इलेक्शन होंगे तो चेयरमैन पी जेल में होंगे है नहीं। है, है। पता करके दसो जे ना <laughs> राजा साहब आपकी इतनी पेशन गोई है सच्ची हुई है तो ये भी बताए मेरी सोरे न होएगी होगी नहीं यार मैं सियासतदान हूँ मैं नजूमी नहीं हूँ <laughs>

फरीद साहब आप जो पूछ रहे हैं इंशाल्लाह नून लीग क्लीन स्वीप करेगी देखिएगा नून लीग को तो इतने वोट पड़ेंगे जो जीतने के लिए चाहिए उससे ऊपर लाखों वोट हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर सकते ये वोट आपने एक्सपोर्ट करने का मंसूबा कब से बना लिया राजा साहब मैं मसाल दे रहा हूँ आए वोट एक्सपोर्ट तो नहीं होते मुझे तो भी पता है मगर मिसाल दे रहा हूं अगर राजा साहब ये वोट बैंक का दावा तो आईपीपी भी कर रही है आई पी पी बेचारी के लिए तो दुआ ही की जा सकती है क्योंकि उनका वोटर तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा मैंने माथे पे हाथ रख के फोकस करके भी देखने की कोशिश की है। अच्छा। ये भी छोड़े मैंने रोयते हलाल कमेटी से दूरबीन लेके भी देखा उनका वोट नजर नहीं आया मुझे। <laughs> चांद के ऊपर माई चरखा काटती हुई नजर आ गई है इनका वोटर नहीं नजर आया मेरा तो इनको मशवरा है पोपल से हिसाब से कहे शायद उनको इनका एक अद्दा वोटर नजर आ जाए <laughs> मुझे तो लगता है ये गाना आईपीपी के वोटर के लिए बना है अल्लाह दिसो तू ना दिस ओ तेरी आने रावा ओ मेरी आने गावा ये बीच में गाना गलत हो जाता है क्यों जी नहीं रही जुदा हो गईया राजा साहब आपका कहना है कि इलेक्शन के बाद कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी हाँ। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी देखें फरीद साहब इस वक्त मुल्की मसाइल का हाल कौमी है इस वकत सबको मिलकर चलानी पड़ेगी फिर ही मुल्क जो है वो मुश्किल में से निकलेगा देखे मैंने नून लीग को स्टेरिंग पे तो बिठा दिया है <laughs> मगर जब तक सारी पार्टिया मिलकर धक्का नहीं लगाएंगी उतनी देर तक जो मुल्क है ना ये तो वही मारता रहेगा <laughs> लेकिन नून लीग के अलावा दूसरी पार्टियां भी स्टेयरिंग पर बैठना चाहती हैं राजा साहब नहीं मगर यही बड़ा आप बस में चढ़ जाए स्टेयरिंग पे तो जाहिर है एक ही बैठता है ना। मैं तो पीटीआई वालों को भी कहूँगा इनको भी बस में चढ़ाना चाहिए ऐसा आप छत पे बैठा ले <laughs> या पीछे भी लटक जाए मैं एक दो दफा बचपन में बस के पीछे लटक के शोर कोट गया हुआ उस वक्त वकोट में मेला लगा हुआ था राश बड़ा था, फिर मैं बास के गया इसलिए मैं कहूँगा कि रश इस वक्त बहुत ज्यादा है पीटीआई वाले और दूसरे बास के पीछे भी लटक सकते <laughs> वो जिस तरह सोफे बेशक आगे पीछे लगे हो मगर जब खाना खुलता है तो सब एक हो जाते हैं इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुल्क चलाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा तभी फिर हम अपने मुल्क को हर खडे और हर खडे से निकाल सकते हैं बहुत सही कह रहे राजा साहब वैसे फिलहाल तो इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है आपकी इलेक्शन मुहिम कैसी चल रही है देखे इलेक्शन मुहिम जो है वो हमारे चाहने वाले और जो हमारे वोटर्स है उनके दिलों में तो शुरू हो चुकी है मगर बाजार हमने अभी तक कलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की क्यों? हम अगर पहले पोस्टर लगा देंगे तो लोग हमारे पोस्टर पाड़ के ले में दौड़ जाएंगे <laughs> हम चाहते हैं कि पहले दूसरे लोग अपने पोस्टर लगा लें बाद में हम अपने पोस्टर लगाएंगे <laughs> <वाके> <laughs> कोई बंदा अगर हमारे पोस्टर को हाथ लगाए तो हम भी दूसरे के पोस्टर को पकड़ सके <laughs> 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 अच्छा राजा साहब वो नवाब शेर वसीर के टिकट का मसला हल हो गया इन शाह वो भी हो जाएगा मैंने तो शबाज शरीफ साहब से कहा है मुलाकात भी की है मैंने कहा मियाँ साहब आपने वादा किया था और हमने आपको पहले ही बताया था कहते हैं आप फिकर ना करें मैं बात करता हूँ इनके वो करेंगे बात और आपको पता है शबाज शरीफ साहब बात कर लेते हैं उनकी बात आगे पीछे हो जाती है मगर हो जाती है राजा <laughs> साहब वो तो चौधरी साहब भी दौड़ भाग कर रहे हैं काफी इसी हल्के के लिए हल्का है एक से दो के लिए क्यों यहाँ से टिकट मिल जाए ठीक है फर तलाल चौधरी साहब को सेनेटर बना दिया जाए नवाब को टिकट दे दी जाए वैसे राजा साहब जितना आसान आप समझ रहे हैं ना की नूली क्लीन स्वीप करेगी इतना आसान है नहीं पीपल्स पार्टी भी बड़ी मेहनत कर रही है बयाना सुन रहे हैं ना आप आसिफ अली जरदारी साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के देखें फरीद साहब पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए क्यों वो हल्के फुलके बयान है जैसे हल्की फूल की की अनाउंसमेंट नहीं होती उस तरह ये भी हल्के फुल्के बयानात बयान है इनमें से एक का काम आग लगाना है और दूसरे का बुझाना है देखे आसफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो मंजे हुए सियासतदान हैं। और बलावल भुटो जरदारी साहब को अभी सियासत सीखनी चाहिए मेरा तो मशवरा है कि उनको मेरे जैसे दो तीन टीचर रखने चाहिए जो उनको सियासत सिखाए और उसके बाद वो बयान आज शुरू करें oh.